मैं हूं मुरली कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एसोसिएशन के स्मार्ट क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास जो है सो बिल्कुल ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर के केमिस्ट्री का ही है। टॉपिक यूजेज ऑफ गैस, मतलब जो गैस का उपयोग होता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। बहुत सारे गैसेस होते हैं और इसका अलग अलग उपयोग भी किया जाता है। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के, तो आज उससे संबंधित हम 10 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर लिखा हुआ है CO2, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक होता है और CO2 इसका सूत्र होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे पहला वाला पॉइंट हम अगर पढ़ें तो लिखा है हवा से भारी, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से भारी गैस होता है और जल से भी यह भारी होता है। हवा से तो होता ही है, साथ साथ जल से भी होता है, और कितना गुना? डेढ़ गुना होता है भारी, डेढ़ गुना ज़्यादा, यानी कि 1.5 गुना भारी होता है जल से। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हम लोग करते हैं, उपयोग जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण में होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से तैयार करता है। ठीक है, ये एक बायोलॉजी का पार्ट है, जब मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा तो उसमें बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण मैंने बताया कि एक प्रक्रिया होता है और इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन खुद बनाते हैं, और इसके लिए उन्हें जरूरी भी होता है चार चीज। क्या सब जरूरी होता है? तो पहला जल की आवश्यकताएं होती है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी बात है उसको कह सकते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो कि उसके पास खुद प्रेजेंट रहता है, और चौथा सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ये चार चीज उसको आवश्यकताएं होती है पेड़ पौधा को, और उस चारों चीज की मदद से वह अपना भोजन बनाता है। और ये जो प्रोसेस होता है कंप्लीट जो प्रोसेस होता है उसका भोजन बनाने का, तो उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला, आप लोग सभी रोटी खाते होंगे, सब खाते हैं, है ना? तो ये रोटी जो फूल जाता है तवे पर, तो उस रोटी में जो भाप होता है फूलने के बाद, उस भाप में भी जो है प्रयोग किया, मतलब भाप में ही कौन सा गैस रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है कि जो रोटी होती है, जो फूली हुई रोटी के भाप में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, पॉइंट याद रखना है। अगला, अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र का मतलब हुआ कि एक प्रकार का यंत्र, एक प्रकार का मशीन जिसके कारण से अगर किसी बिल्डिंग में, किसी घर में आग लग जाता है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग एक मशीन का प्रयोग करते हैं, एक यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का नाम होता है अग्निशामक यंत्र। और अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है और ग्लोबल वार्मिंग है, इस दोनों में याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पूछेगा आपसे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है या कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है जैसे हम लोग जानते हैं जो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन अपने वातावरण का बढ़ते जा रहा है, है ना? गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और ठंडी के मौसम में मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेगा ना, मतलब 2050 तक आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके कारण यानी कि जिस स्थिति में अभी पेड़ पौधा की कटाई होती जा रही है, तो आगे चल करके ये स्थिति बड़ा भयंकर समस्या उत्पन्न करने वाला है हमारे वातावरण के लिए। तो समझिए इस चीज को कि ग्लोबल वार्मिंग, वार्म आप लोग इंग्लिश में मीनिंग याद किए होंगे, वार्म मतलब होता है गर्म, और ग्लोबल, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब शब्द से ग्लोबल बना है, तो ग्लोब का मतलब पृथ्वी का एक छोटा रूप, तो वही चीज है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी का जो एक आवरण है इनकी जो गर्म हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है ज्यादा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है?
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, इतना पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, तो शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, इसको हम लोग ड्राई आइस भी कह सकते हैं। तो ड्राई आइस जो होता है वो वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, याद रखना है। अगला, कार्बन डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, अम्लीय होता है, याद रखना है। जलीय विलयन कैसा होता है, यहां पे हम लिख देते हैं अम्लीय। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। अगला पॉइंट है जो सॉफ्ट ड्रिंक हम लोग पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, तो सॉफ्ट ड्रिंक का अर्थ क्या हुआ, जो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक सब होता है ना, थम्सअप, स्प्राइट, ये सब जितने भी चीजें हैं, ड्यू, इन सभी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर हाई प्रेशर पर भरा होता है, याद रखना है। सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का एग्जांपल मैंने यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इसको, स्प्राइट ऐसे जान सकते हैं आप, ड्यू, उसके बाद थम्सअप, तो ये सभी चीजों में अंडर हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो 10 उपयोग मैंने बताया, कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है या किस में रहता है, तो समझ में आ गई होगी ये 10 पॉइंट्स। हवा से भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल से भी भारी होता है 1.5 गुना, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है, फूली हुई रोटी के भाप में यही रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला जो मशीन होता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग दोनों के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं, और जलीय विलयन इसका कैसा होता है, अम्लीय होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक में किया जाता है, याद रखना है। आप लोग स्प्राइट पीते होंगे तो खोलते हैं उस समय में क्या होता है, बहुत ज्यादा, मतलब अगर एक ही बार में उसको खोल देते हैं तो बहुत ही जो उसमें से जो स्प्राइट रहता है वह लिक्विड बहुत ही ऊपर की उछाल मार देता है। क्यों मारता है, उसमें क्या चीज ऐसा रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस अंडर हाई प्रेशर पर भरा रहता है, जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो ऊपर की ओर बैक रिवर्स लगा देता है अपना फोर्स के साथ, तो इसीलिए वो ऊपर उठ करके और नीचे बहुत सारे मतलब गिर भी जाते हैं, इसीलिए जब भी खोलिए आप लोग तो थोड़ा धीरे से खोलिए ताकि गिरे ना और बर्बाद ना हो। आगे चलते हैं, विज्ञापन पट्टा, विज्ञापन पट्टी में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही था, इसमें हम लोग नियॉन का प्रयोग करते हैं, नियॉन का, जिसका संकेत NE होता है, याद रखना है। विज्ञापन पट्टा क्या होता है, सबसे पहली बात इसको समझें कि विज्ञापन पट्टा क्या होता है। आप जैसे किसी बड़े दुकान में जाइएगा तो वहां पर एक बड़ा सा ऊपर में बोर्ड लगा होता है और बोर्ड में बहुत ही शाइनिंग रहता है, बहुत ही चमक आती है, ठीक है, तो वो जो चमक होता है वह किसके वजह से, नियॉन के वजह से होता है, और नियॉन एक याद रखना है अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस, इसको हम लोग नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है, नोबेल गैस के भी नाम से जानते हैं। और जब केमिस्ट्री को वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें बताएंगे आगे कि अक्रिय गैस 6 होते हैं, ठीक है, नियॉन गैस की नियॉन होगा, उसके बाद आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा, रेडॉन होगा, जेनॉन होगा, तो ये सभी, और एक हीलियम होता है, ये 6 क्या होते हैं, तो ये 6 होते हैं अक्रिय गैस, नोबेल गैस। आगे चलते हैं चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में कौन सा रहता है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, याद रखना है। चिप्स के पैकेट में जो 5-10 रुपए मिलता है ना, बच्चे लोग अक्सर खाते रहते हैं, तो उस चिप्स के पैकेट में हवा जो भरा रहता है वो हवा कौन सा रहता है, यानी कि वो नाइट्रोजन गैस उसमें भरा रहता है, इतना याद रखना है। और नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा रहता है, दूसरा गैस क्यों नहीं भरा रहता है, तो नाइट्रोजन गैस एक ऐसा गैस होता है जो किसी मतलब जो खाने वाला पदार्थ होता है, खाने वाला जो चीजें होती है उसको खराब नहीं करता है जल्दी, यानी कि उसको लंबे समय तक रखने का मतलब कह सकते हैं ये एबल होता है। अब चलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस ऐसा गैस होता है जो मतलब अगर ये जैसे कोई रूम में है आप, और उस रूम में अगर लाफिंग गैस छोड़ दिया जाए ना, हंसने वाला गैस, तो आप सभी और मैं भी, यानी कि जिस रूम में वो छोड़ा जाएगा उस रूम के जितने भी आदमी होंगे वह सब खूब हंसेगा, लेकिन कोई कारण नहीं पता रहेगा कि क्यों हंसते हैं, बस वो कारण क्या है, तो वो लाफिंग गैस के वजह से ही होता है, याद रखना है। लाफिंग गैस का सूत्र आप याद रखें, N2O होता है, और N2O को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, एक NO2 होता है, तो इसको ये मत कहिएगा कि NO2 लाफिंग गैस होता है, N2O लाफिंग गैस होता है, याद रखना है।
और हाँ, इससे एक और क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, अश्रु गैस मतलब टियरिंग गैस कह सकते हैं उसको हम लोग। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि टियरिंग गैस का सूत्र क्या होता है, अगर आप लोगों को पता हो तो, ठीक है ना। तो मैं अगले वीडियो में मेंशन कर दूंगा उस चीज़ों को, ठीक है। अगला वेल्डिंग, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मैंने रखा है यहाँ पर, अश्रु गैस का जो है एक सूत्र क्या होता है। सबसे पहली बात, सूत्र को याद रखना है और कमेंट में जरूर करना है अगर पता हो तो। वेल्डिंग, वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग में एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। और हाँ, पॉलीथीन बनाने में या फिर फल पकाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा गैस रहता है, तो वह रहता है एथिलीन। यहां पर नहीं लिखे हैं, यहां पर लिख देते हैं एथिलीन। एथिलीन याद रखना है कि फल पकाने वाला जो गैस होता है, यानी कि जो कच्चे फल को जल्द से जल्द अगर हम पकाने की कोशिश करें तो कौन सा मतलब वह गैस का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। और पॉलीथीन में भी प्रयोग किया जाता है एथिलीन का, ठीक है। इतना समाप्त नहीं हुआ, अभी और कुछ है जो हम देखते हैं। देखते हैं गैसेस का उपयोग। पहला है सिगरेट का धुआं। सिगरेट पीना तो हानिकारक बात है, बिल्कुल ये सब आप भी जानते होंगे और बहुत सारे नहीं भी पीते होंगे, अच्छी बात है। सिगरेट का जो धुआं होता है, और वाहन से और कोयला को जलाने पर, इसीलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख लिया है, क्योंकि इस तीनों में ना एक ही प्रकार का गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहता है, यानी कि निकलता है कह सकते हैं। कोयला को अगर हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर मैं लिख देता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कोयला को अगर हम जलाएंगे तो आएगा, ठीक है, यानी कि निकलेगा। उसके बाद वाहन, जब हम चलाते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल, तो इसमें से जो गैस निकलता है सिलेंसर से होकर के, धुआं जो निकलता है वह धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही रहता है, ठीक है। और सिगरेट का धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अत्यंत जहरीला गैस होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि सिगरेट तो पीना सबसे बड़ी मतलब बुरी बात है कह सकते हैं, और वाहन भी चलाते हैं तो कम चलाइए, और कोयलों को जलाने पर तो कोयला वाला जला करके, और जो गर्म मतलब घर को गर्म उम करने के लिए अगर प्रयोग करते होंगे बाय द वे, तो मत कीजिएगा रात में सोते वक्त, ठीक है, क्योंकि रात में कमरा वमरा बंद रहेगा, और अगर गेट बंद है और खिड़की भी बंद है तो उसमें गैस जो निकलता है वह गैस पूरे घर में फैल जाएगा, और इसके कारण से ना मृत्यु भी हो जाती है, तो इन सभी से सचेत रहिएगा। अगला, श्वसन और कृत्रिम श्वसन। श्वसन जो हम लोग करते हैं वास्तव में उसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन गैस का। श्वसन जो हम लोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन गैस का सबको पता होगा, और हम लोग छोड़ते कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो खैर सबको पता होता है। कृत्रिम श्वसन, अब देखिए यही ऑक्सीजन की कीमत बहुत ही बढ़ जाती है, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, दम घुटने लगता है या फिर उसको परेशानी आ जाती है, किसमें, श्वसन की क्रिया करने में, तो वह हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर उसको एक पाइप के थ्रू उसको ऑक्सीजन गैस के साथ साथ हीलियम गैस, ये दोनों मिक्स करके और उसको दिया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है, पेशेंट को। तो कृत्रिम श्वसन ऑक्सीजन और हीलियम प्रयोग करते हैं कृत्रिम श्वसन में। गोताखोर, जो पानी के अंदर जाता है अलग टाइप का कपड़ा पहन करके, और उसमें भी मास्क लगाया जाता है ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम ये दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का और हीलियम का दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए याद रखने के लिए, श्वसन में ऑक्सीजन, जो जनरल हम लोग श्वसन करते हैं ऑक्सीजन, कृत्रिम श्वसन में जो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों, और गोताखोर में ऑक्सीजन और हीलियम, इसमें भी हीलियम, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम, इसमें प्रयोग करते हैं मतलब गोताखोर में। अगला सातवां है गुब्बारा। गुब्बारा देखिए, जो हम लोग अगर गुब्बारा की बात करें तो बहुत छोटे छोटे जो गुब्बारे होते हैं, बहुत सारे गांव के मतलब विलेज में जो होंगे उसको पता होगा, जो मुंह से फुला करके और उसको फुलाया जाता है गुब्बारा को, तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है, लेकिन मैं उस गुब्बारे की बात करता हूँ जो ऊपर की दिशा में अपने आप वह मतलब जाने के योग्य हो और ऊपर की दिशा में जाता हो, तो उसमें जो प्रयोग करते हैं वह हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, हीलियम HE और
H2 हाइड्रोजन, इसको मिला करके वास्तव में ज्यादा में हीलियम रहता है, क्योंकि हीलियम एक हल्का गैस होता है, हीलियम एक हल्का गैस होता है याद रखना। और इसी के कारण से जब गुब्बारा में हम हीलियम गैस को भरते हैं तो वह ऊपर की दिशा में जाने लगता है। अब है वायुयान के टायर, वायुयान के टायर में जो प्रयोग किया जाता है वह भी हीलियम गैस ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम सबको साथ में लिखे हुए ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एक बार, सिगरेट का धुआं, वाहन से और कोयला को जलने पर, ये तीनों केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसी खतरनाक गैस कह सकते हैं, इसको जहरीला गैस कह सकते हैं, ये निकलते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन, कृत्रिम श्वसन में जो हॉस्पिटल में जाकर के श्वसन की क्रिया करते हैं अगर डॉक्टर के थ्रू यानी कि कृत्रिम के तरीके से, तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग। गोताखोर जो पानी के अंदर में जाता है तो उसमें भी तो श्वसन की क्रिया करेगा, तो कौन सा गैस का? ऑक्सीजन और हीलियम का। और गुब्बारा, हीलियम और हाइड्रोजन, और वायुयान के टायर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। अगला है रेफ्रिजरेटर और एसी, इस दोनों से कौन सा गैस निकलता है? रेफ्रिजरेटर और एसी, इस दोनों से कौन सा गैस निकलता है? तो याद रखना है CFC, CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी का मतलब क्लोरो, यहां पर लिख देते हैं, सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो, और इस सी का मतलब होता है कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब सबको पता होगा, फ्रिज जो होता है, फ्रिज जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर और एसी, इस दोनों में से जो गैस निकलती है वह CFC गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसी के नीचे मैंने लिखा है ओजोन परत। तो ओजोन परत, सबसे पहले तो याद रखना है ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है ना। और ये ओजोन परत का जो नुकसान होता है, यानी कि क्षय बोलिए चाहे नुकसान बोलिए, वह किसके कारण से होता है? तो CFC के कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण से होता है ओजोन परत का नुकसान, ठीक है। और ओजोन परत इतना इंपॉर्टेंट भी है हम लोगों के लिए, और उसको बचाना एक कर्तव्य सा बन जाता है हम लोगों का, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाना जरूरी हो जाता है उस केस में, ठीक है। जितना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहेगी, समझिए ओजोन परत उतना नुकसान होने से बचा रहेगा, क्योंकि ओजोन परत है ऑक्सीजन से ही बना होता है। अगला है क्लोरीन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग अक्सर एग्जाम में आता है, तालाबों के पानी को साफ करने में, तालाब में जो पानी रहता है वो बहुत गंदा पानी रहता है, उस पानी को साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, Cl2 क्लोरीन का उपयोग करते हैं तालाब के पानी को साफ करने में। दूसरा है फूलों का रंग उड़ाने में, यानी कि फूल का अगर रंग उड़ जाता है, उड़ाते तो नहीं है बल उड़ जाता है अपने आप, तो किसके कारण से? ना क्लोरीन गैस के कारण से उड़ जाता है। अगला ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लोग बिरंजक चूर्ण कहते हैं हिंदी में, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का? ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 एग्जाम में आ जाता है, ग्रुप डी सबके छोटे छोटे एग्जाम्स जो होते रहते हैं उसमें छोटा छोटा क्वेश्चन ही आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2, और इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं CaOCl इंटू में Cl फिर से, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन रहे CaOCl2 चाहे CaOCl, दोनों में से CaOCl इंटू में फिर Cl, क्योंकि देखिए ये Cl और ये Cl मिलकर के ही Cl2 यहां पर हुआ है, तो इस दोनों में कोई अंतर है नहीं, तो इस दोनों को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं Cl आ रहा है Cl2, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि Cl2 का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर में करते हैं, तो ऐसे करके याद रखना है। सिगरेट के लाइटर में, सिगरेट एक तो पीना नहीं चाहिए मैंने शुरू में बता दिया, और उसको जलाने मतलब सिगरेट जो पीते हैं और उसको जलाते हैं लाइटर से, तो वह लाइटर में कौन सा गैस रहता है? तो इस लाइटर में रहता है ब्यूटेन, मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं इस चीज को, ब्यूटेन दिखाई दे रहा होगा, तो ये ब्यूटेन प्रयोग करते हैं सिगरेट के लाइटर में। और कुछ देखते हैं LPG और CNG के बारे में, ठीक है। तो चलिए LPG और CNG के बारे में जानते हैं कि LPG क्या होता है और CNG क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है LPG, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां से ये अराइज हो जाता है जो LPG और CNG का पूरा नाम क्या होता है। तो L स्टैंड फॉर
लिक्विड, सर लिक्विफाइड हम इसको कह सकते हैं, लिक्विफाइड। पी से होता है पेट्रोलियम और जी से होता है गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। याद रखना है एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का क्या होता है, तो सीएनजी में याद रखना है कंप्रेस्ड नेचुरल और गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का पूरा नाम होता है, और एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। याद रखना है इसका सबसे पहले पूरा नाम। उसके बाद एलपीजी जो गैस है और सीएनजी जो गैस है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जैसा कि पता भी होगा ये जो क्लास चल रही है वो उपयोग से ही रिलेटेड है। तो एलपीजी का जो है प्रयोग घर के जो सिलेंडर होते हैं ना घर में, रसोई घर में जो प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं रसोई घर में सिलेंडरों में, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो सिलेंडर जो बढ़ाता है खाना बनाने वाला, उसमें कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं, एलपीजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सीएनजी का प्रयोग किसमें करते हैं, तो सीएनजी का प्रयोग करते हैं वाहन में, वाहन में मतलब हम लोग कह सकते हैं गाड़ी में, है ना, जो भी गाड़ी सब होता है, बाइक, बाइक तो जनरल नहीं, मतलब चार चक्का सब, है ना, बाइक में नहीं, तो वाहन गाड़ी और इन सभी में हम लोग सीएनजी का प्रयोग करते हैं, और एलपीजी का प्रयोग हम लोग रसोई घर में सिलेंडर में करते हैं, ठीक है, याद रहना चाहिए पॉइंट। अगला पॉइंट है इससे संबंधित, जो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, पूछता है क्वेश्चन। एलपीजी ऐसे तो बना है तीन गैसों से, पहला है, इसके लिए देखिए याद रखिएगा एबीपी, यहां पर एबीपी का पूरा नाम हम लिख देते हैं एथेन ब्यूटेन और प्रोपेन, याद रखना है एथेन ब्यूटेन प्रोपेन। अब इसको हम एबीपी क्या है, एबीपी कुछ नहीं है, ये मैं छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, एबीपी चैनल का नाम है, न्यू चैनल का। तो ए से एथेन, बी से ब्यूटेन और पी से प्रोपेन। तो याद रखना है कि जब भी एलपीजी की बात हो तो एबीपी दिमाग पे आना चाहिए, और ए का मतलब एथेन, बी का मतलब ब्यूटेन और पी का मतलब होता है प्रोपेन। अब देखिए ये तीन गो गैस में सबसे ज्यादा मात्रा में गैस कौन सा रहता है, इसमें वही उसका मुख्य घटक होगा। अब देखिए कोई भी टीम है उसमें मेन कौन होता है, जो ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में जानता हो, हेड हो वो, है ना। तो इसी तरीके से ब्यूटेन जो है इसमें 71% के आसपास, 71% अप्रॉक्स इसमें पाया जाता है एलपीजी में, ब्यूटेन गैस। इसका मतलब हुआ कि ब्यूटेन गैस इसका क्या है, मुख्य घटक है, याद रखना है इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है, जिसमें 71% ब्यूटेन रहता है एलपीजी में। अब वही बात मैं सीएनजी की करूं, तो सीएनजी में याद रखना है मैप, जैसे कि मैप पता होगा नक्शा, एमएपी मैप, मैप मतलब नक्शा, याद भी किए होंगे मीनिंग। तो एम का मतलब मिथेन, ए का मतलब होता है एथेन और पी का मतलब होता है प्रोपेन। अब देखिए मीथेन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अप्रोक्स 90%, तो मीथेन गैस क्या हो जाएगा, मीथेन गैस हो जाएगा इसका मुख्य घटक, किसका, सीएनजी का। और हाँ मीथेन गैस से याद रखना है जो गोबर गैस होता है या बायोगैस, उसमें भी मीथेन गैस ही मुख्य घटक के रूप में होता है, याद रखना है इस पॉइंट को। तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वाहन या गाड़ी में इसका प्रयोग करते हैं, और इसमें मीथेन एथेन प्रोपेन पाया जाता है, मीथेन इसका मुख्य घटक होता है 90% के अप्रोक्स इसमें पाया जाता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, रसोई घर में सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए एबीपी याद रखना है एथेन ब्यूटेन प्रोपेन, और इसका मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। बस इसका इस्तेमाल हम लोग रसोई घर में सिलेंडर में करते हैं, बस इतना ही इससे पूछता है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, कि अगर अच्छा लगा है तो वो बताइएगा, नहीं अच्छा लगा है तो वो भी बताइएगा। लाइक और डिसलाइक इसीलिए दिया जाता है, दो लाइक भी कीजिएगा और डिसलाइक आपको मन हो तो कीजिएगा, अगर पसंद ना आया हो तो, ठीक है। और अगर पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू।